नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज बच्चों अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पहले मैंने बच्चों आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जिसका दूसरा नाम संसद है, जो कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरा है आपका कार्यपालिका, जो कानून को लागू करती है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कानून की सुरक्षा करती है, वो करती है आपकी न्यायपालिका। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो संसद है उसका निर्माण 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ने कोई भी विधेयक बना दिया, वो कानून तभी बनता है जब उसके किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो संसद का निर्माण भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना होता है। उसी तरीके से बच्चों कार्यपालिका का भी अंग माना जाता है। कौन है? राष्ट्रपति। तो संघीय कार्यपालिका का मैन जो प्रधान होता है बच्चों, वो है राष्ट्रपति। अब बच्चों आपने ये भी पढ़ा था कि भारत में संघीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में देश की कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। कितने प्रधान होते हैं? 2 प्रधान होते हैं। एक होता है नाम मात्र का और एक होता है आपका वास्तविक। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ली है, उस संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर बच्चों 2 प्रकार के, एक नाम मात्र का शासन और दूसरा होता है आपका वास्तविक शासन। नाम मात्र का शासन का मतलब है जिसके नाम से देश का शासन चलता है, वो है बच्चों आपका राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति के नाम से समस्त देश का जो शासन चलाता है बच्चों, वो है आपका प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, उस संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत 2 प्रकार की का शासन है, नाम मात्र का शासन और वास्तविक शासन। नाम मात्र का शासन राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन उनका वास्तविक रूप से प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। अब बात आती है राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का प्रधान होता है हमारे देश के हिसाब से। अगर अमेरिका की बात करें बच्चों, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का प्रधान माना जाता है। वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था है? वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। वहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग है, जबकि हमारे भारत में व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज जो अपना टॉपिक है बच्चों राष्ट्रपति, जो कि संघीय कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राष्ट्रपति का उल्लेख बच्चों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मिलता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है बच्चों। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के नाम से ही
समस्त देश की शासन, समस्त कार्यपालिका जो है वो किसके अंडर में होगी, वो राष्ट्रपति के अंडर में होगी। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हमारे देश का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको चुनाव एकल संक्रमणीय मत 54 और 55 54 तो बताता है निर्वाचन मंडल के बारे में और 55 बताता है निर्वाचन पद्धति के बारे में। निर्वाचन मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाएगा। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। क्या होता है बच्चों निर्वाचन मंडल, वो देख लेते हैं। इस निर्वाचन मंडल में बच्चों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और जितने भी राज्यों की विधान परिषदें हैं उन विधान परिषदों के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं बच्चों। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं और इस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये हमारा भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों निर्वाचन पद्धति। आप बच्चों पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये निर्वाचन की पद्धति है, जैसे बहुमत प्रणाली है, साधारण बहुमत पद्धति है, उसी प्रकार से बच्चों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। उसमें बताया है कि अगर अनुपात के हिसाब से वैकल्पिक कोटा ऊपर होने के बाद जो है अगर पहली बार में निर्वाचन नहीं होता है तो दूसरे के जो वैकल्पिक मत है उन मतों को भी बाकियों में मिला दिया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज इतना ही कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व रखता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बच्चों अगर राष्ट्रपति बनना है तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए,
55 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और चौथा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। किसी भी न्यायिक मामले में दंडनीय नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसके लिए हमारा संविधान मौन है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार भी लड़ा जा सकता है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आपने देखा कि हमारी सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो आपका राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका का भी मेंबर माना जाता है, क्योंकि संसद में संसद मिलती ही किससे है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में जो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है उसका प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। हमारे देश का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है, इसीलिए हमारा जो देश का राष्ट्रपति है बच्चों, वो निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है, इसीलिए हमारे देश की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश का प्रधान निर्वाचित होता है। ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का प्रधान जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, समस्त शक्तियों का स्रोत जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों का गठन किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है बच्चों? ये अनुच्छेद 53 कहता है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बच्चों एक बार ध्यान रखना बच्चों कि निर्वाचन मंडल में मतों का मूल्य बच्चों अलग अलग होता है। सांसद के मत का मूल्य अलग देखने को मिलता है, और हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य भी अलग अलग हमें दिखाई देता है। सांसद, अगर एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जो जनसंख्या है, उस राज्य की जनसंख्या में जितने भी विधायक हैं उसका क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, तो एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात हो जाता है। वो हर राज्य का अलग होगा, इसीलिए जनसंख्या को आधार बना करके प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य आकलन किया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी सांसद है और जितनी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके मतों के मूल्य में सांसदों की संख्या का भाग लगाने पर एक सांसद के मत का मूल्य आ जाता है। तो बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। सांसद के मत का मूल्य अच्छा होता है, जबकि विधायक के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति
का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के उपरांत ही राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को चुना जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव की जो पद्धति है बच्चों, वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बात आती है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है उसके अगर है तो ही वो चुनाव लड़ सकता है बच्चों। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं, निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन मंडल के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति महाभियोग। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है बच्चों? तो राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है बच्चों, राष्ट्रपति पर क्या लगा दिया जाए? महाभियोग। और महाभियोग का उल्लेख बच्चों संविधान के अनुच्छेद 61 में देखने को मिलता है कि अगर 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद 14 दिन का पूर्व सूचना के आधार पर संसद के दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दें कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का कदाचार किया गया है, विधि का पालन नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली के द्वारा किससे हटाया जा सकता है? उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का जो यूज किया जाता है बच्चों, वो किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए किया जाता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत पदच्युत किया जा सकता है। ये है आपका राष्ट्रपति। इसके बाद बात आती है कि अगर मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में बच्चों राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता। तो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होगा, वो हमारे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बच्चों? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश उसको पद से पद त्याग करना पड़े, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति हट जाता है, तो राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर उपराष्ट्रपति उन्हीं सुविधाओं का उपयोग करेगा जो एक राष्ट्रपति की होती है, और 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति बनने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के माध्यम से इसका चुनाव होता है, और राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुना जाता है। इन सब के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, उसको किस आधार पर जो है वो राष्ट्रपति को चुना जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बात रही बच्चों राष्ट्रपति के वेतन की, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति भवन हमारे दिल्ली में बना हुआ है। इसके अलावा भी एक तो दैत रिट्रीट ग्रीष्मकालीन निवास स्थल शिमला में है, और आपका राष्ट्रपति निवास हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी
राष्ट्रपति निलियम के नाम से इसका एक अन्य आवास है। इसका राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन जो कि आपकी रायसीना हिल्स दिल्ली में बना हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट चरबरा में ग्रीष्मकालीन निवास है जिसको द रिट्रीट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलियम के नाम से इसका एक और अन्य निवास है। तो राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ पर है? रायसीना पहाड़ी। कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में है। इसके अलावा द रिट्रीट नाम से इनका एक ग्रीष्मकालीन निवास स्थल है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी राष्ट्रपति निलियम के नाम से इनका आवास स्थल है। तो आज हमने राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है और जिसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को बनाया गया, इसके बारे में पढ़ा। कक्षा 12 की यूनिट सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है उसमें पहला टॉपिक है बच्चों आपका राष्ट्रपति, इसकी निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है, किस पद्धति के आधार पर चुना जाता है, न्यूनतम कोटा क्या होता है, सांसद और विधायक के मतों का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं अच्छे से तैयारी करवा सकूं। धन्यवाद।